गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल काफी सक्रिय हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल अब मिशन गुजरात में पूरी तरह से लगे हुए हैं। बता दें कि गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां आप पार्टी सत्ता में आने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कई रैलियां कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कई वादे भी किए हैं। तो इसी बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केजरीवाल के अहमदाबाद पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर गुजरात पुलिस ने रेड डाली। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2 घंटे तक तलाशी ली और फिर चले गए, कुछ नहीं मिला तो कहा कि फिर आएंगे। हालांकि इस पर पुलिस ने साफ किया कि उसने आप कार्यालय पर छापा नहीं डाला और उसे इस घटनाक्रम की जानकारी पार्टी के ट्वीट से ही मिल रही है। ऐसे में अहमदाबाद स्थित पार्टी दफ्तर पर छापे की खबरों को लेकर केजरीवाल ने कहा, गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बुरी तरह बौखला गई है। आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है, दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर, ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया पर भाजपा को अपने निशाने पर लेते हुए बड़ा हमला बोला। सिसोदिया ने लिखा, जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा का डर बढ़ता जा रहा है। गुजरात चुनाव में भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोकना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी से इतना डरते क्यों हो। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि जब आप पदाधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि छापेमारी किसने की और वास्तव में क्या हुआ। नवरंगपुरा पुलिस थाना के निरीक्षक पी के पटेल ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई छापेमारी नहीं की गई थी। पटेल ने बताया, छापे को लेकर गढ़वी के ट्वीट के बारे में जानकारी मिलने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से रविवार रात पार्टी कार्यालय गया और विवरण मांगा, लेकिन वहां मौजूद यज्ञेश नामक व्यक्ति सहित पार्टी नेताओं ने गढ़वी के दावे के मुताबिक कोई विवरण नहीं दिया कि कौन आया था और वास्तव में क्या हुआ। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार शाम अहमदाबाद पहुंचे। सोमवार मंगलवार को उनकी ऑटो रिक्शा चालकों, व्यापारियों, वकीलों और सफाई कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल में बैठकें करने का कार्यक्रम है। केजरीवाल सोमवार को यहां 3 बैठकों में भाग लेंगे, जहां वो ऑटो चालकों, व्यापारियों और वकीलों के साथ बातचीत करेंगे। मंगलवार को वो सफाई कर्मियों के साथ एक बैठक करेंगे। वो स्थानीय आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे और अहमदाबाद में पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत करेंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।